मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। करण, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा वात्मा कुछ होता है? आत्मा होती है रिया, इनफैक्ट हमारे आसपास ही होती है। तुम चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो। चल, क्या पागल बना रहा है? नहीं रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तू चाहे तो तुझे दिखा भी सकता हूँ। बोल, है हिम्मत? हाँ है ना। क्या सचमुच हम आत्माओं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? मुझे भी मिलना है आत्मा से। तो फिर ठीक है, पक्का रहा। चल आत्मा बुलाते हैं। हमको चाहिए कुछ मोमबत्ती, एक बोर्ड होता है उइजा नाम का वो, और रूम में अंधेरा। रात होने वाली है, लाइट्स बंद कर दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। मोमबत्ती किचन में है, लेके आती हूँ। ये उइजा बोर्ड क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल डिजाइन है। मैं इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी करता हूँ। मेरा आत्मा बोर्ड तैयार है। और मैंने मोमबत्ती ले आई है, बस दो ही कैंडल्स हैं घर पे। काफी हैं, जितने कैंडल्स उतनी आत्मा। हमें कौन सी भूत पार्टी करनी है? फिर तो सब तैयारी हो गई, चल शुरू करते हैं। ओके, लाइट्स बंद कर रिया, डोर भी बंद कर। हाँ अभी करती हूँ। कितना अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुक जरा, अभी मैं कैंडल्स जलाऊंगा। लाइट बंद करने से पहले जलाना था ना, पर मैंने माचिस तो लाई नहीं। मेरे पास लाइटर है, डोंट वरी। करण, तू सिगरेट पीता है, तू लाइटर का क्या करता है? अरे रिया, तुम बहुत शक करती हो। मैं सिगरेट नहीं पीता, बस स्टाइल के लिए लाइटर रखता हूँ। खैर छोड़, हम आत्मा बुलाते हैं। बोर्ड सेटअप करो। मस्त है ये, एकदम बोर्ड गेम जैसा है। तुमको लगता है ये काम करेगा? देखो, अब हमारी सारी तैयारी हो गई। अब हम आत्मा को बुलाते हैं। रिया, जैसे मैं बोलूं वैसे ही मेरे साथ तुम भी बोलना। ओके श्योर। आत्माओं प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं मेरे सामने आओ। आत्माओं प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं सामने आओ। आत्माओं हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम हमारे सामने प्रकट हो। आत्माओं हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम हमारे सामने प्रकट हो। उइजा की आत्माओं, हमारा हुक्म है, प्रकट हो। करण, अब मुझे डर लग रहा है। डरो मत, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही बोलो। ओके, उइजा की आत्मा, तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा, हमारा हुक्म है, प्रकट हो। भाग गई। बहुत मजा आया। माँ, आज बहुत मजेदार बात हुई रिया के घर। लड़कियाँ बहुत डरपोक होती है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ करण? मॉम, बहुत बेवकूफ बनाया मैंने उसे, उसकी हालत देखने लायक थी। वो आत्मा से मिलना चाहती थी, मैंने बोला कि मुझे पता है, और हम लोगों ने रूम में सब नाटक किया, और जैसे ही मैंने बोला कि मुझे आत्मा दिखाई दे रही है, उसकी टोटल हवा ही निकल गई। कैसे भागी वो रूम के बाहर, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया मेरे। करण, ये गलत बात है, ऐसे किसी को डराना अच्छी बात नहीं होती।
सुधर जाओ और अच्छी बातों पे ध्यान दो। उप्स, हाँ मॉम, ठीक है। करण, करण, उठो करण। कौन है वहाँ? कौन है? मैं वही हूँ जिससे तुम मिलना चाहते थे। अब मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। उठो और मेरे साथ चलो। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ना करोगे? मुझे कोई ना नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ करण, तुमने ही तो बुलाया था ना मुझे। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये लड़की कौन है? डरो मत करण, मैं रिया नहीं हूँ। थोड़ी देर में तुम भी करण नहीं रहोगे। हम वो आत्माएं जिनको तुमने बुलाया था। तुम हमसे मिलना चाहते थे ना? तुमने मोमबत्ती जलाई, हमको आवाज दी। हम दोनों आत्माएं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं। हम आ तो गई हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकती। हमको शरीर चाहिए। एक आत्मा मुझ में समा गई है और ये दूसरी आत्मा तुम में समा जाएगी। नहीं, मुझे किसी आत्मा से नहीं मिलना। मुझे तो आत्मा बुलाना भी नहीं आता। मैं तो बस मजाक कर रहा था, डरा रहा था। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। इस मजाक की कीमत देनी होगी। आओ मेरे पास आओ करण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी दोस्त मर चुकी है, अब तुमको भी मरना होगा करण। शरीर नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, हा 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 हा।